अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द एक्सपर्ट गार्डियन। आज मैं आपको बताऊँगा मटर मशरूम की सब्जी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही फेमस है, शादियों में, फंक्शंस में हम जाते हैं, अक्सर आपको मटर मशरूम की सब्जी मिलती है खाने के लिए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसी रेसिपी बहुत आसान है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटर मशरूम की रेसिपी। मटर मशरूम की सब्जी बनाने के लिए ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिए हैं उनमें है मटर 300 ग्राम, मशरूम 150 ग्राम, क्रीम आधा कप, आप मलाई भी यूज कर सकते हैं इसमें, जीरा एक चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच, दो हरी मिर्च मैंने इनको काट लिया है बारीक बारीक, लाल मिर्च एक चम्मच, नमक आप स्वाद अनुसार लेंगे, कुकिंग ऑयल चार चम्मच लिया है, थोड़ा सा मैंने लिया है टोमेटो सॉस, लहसुन अदरक प्याज और टमाटर इनको मैंने रफली मोटा मोटा काट लिया है। तो गैस ऑन करके मैंने पैन को रख लिया गैस पे, पैन अच्छे से हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम दो चम्मच ऑयल डाल के, अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, जीरे को हल्का सा भून लेंगे, जीरे के भूनते ही इसमें मैंने डालना है अदरक मोटा मोटा मैंने काटा था और लहसुन, इनको हमने ज्यादा नहीं पकाना है। अब डाल देते हैं हरी मिर्च, बस 1 से 1.5 मिनट ही इनको हम सॉटे करेंगे। 1-1.5 मिनट होते ही अब मैं इसमें डाल रहा हूं प्याज, प्याजों को भी हमने ज्यादा नहीं पकाना है, 1 से 1.5 मिनट तक ही इनको हमने और सॉटे करना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटरों को भी हम थोड़ा सा ही पकाएंगे, बस थोड़े से ये सॉफ्ट होने शुरू हो जाए उतना ही हमने इनको पकाना है। टमाटरों के सॉफ्ट होते ही अब गैस कर देते हैं हम बंद और इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ठंडा करने के बाद हमने इनको ग्राइंड करना है। ये देखिए उस मिक्सचर को मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसका पेस्ट बना लिया। अब हम वही फ्राई पैन दोबारा लेंगे, इसको गैस ऑन करके गर्म होने के लिए रख देते हैं और साथ में इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। 2 चम्मच तेल डाल के अब हमने उसी मिक्सचर को जो हमने अभी ग्राइंड किया है उसको दोबारा सॉटे करेंगे। जैसे ही हमारा मसाला तेल छोड़ दे, देखिए ये साइडों में तेल छोड़ रहा है, ये जैसे ये तेल छोड़ दे इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगा मटर, मटर डाल के इसको अच्छे से हम हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। लगभग 2 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं कि मटर पक चुके हैं कि नहीं। मटर हमारे देखिए सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। मटरों के सॉफ्ट होते ही अब मैं इसमें डालूंगा क्रीम, क्रीम डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ में ही इसमें डाल देते हैं अब मशरूम्स हमने सबसे लास्ट में डालने हैं। मशरूम्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं सब्जी में
और अब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है सब्जी में। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगा ढक के। लगभग 4 मिनट के करीब हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम फाइनली इसमें डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। टोमेटो सॉस के डालने से इसे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाएगा इसका टोमेटो सॉस डालने से। और अब लास्ट इंग्रेडिएंट हमने इसमें डालना है गरम मसाला। तो लीजिए हमारे मटर मशरूम की सब्जी तैयार हो गई है। ये सब्जी बिल्कुल वैसी बनी है जैसे हम होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या ढाबों में खाते हैं। आप घर पे बनाइएगा और देखिएगा कितना बढ़िया इसका टेस्ट आया है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, मटर मशरूम की सब्जी बनानी कितनी आसान है। ये बनती बहुत टेस्टी है, इसको आप घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। बस आपने मेरे दिए हुए टिप्स और जो मैंने इंस्ट्रक्शंस और मैंने मेथड बताया है उसको फॉलो करते जाना है, और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही लाजवाब बनेगी ये। तो आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को इस रेसिपी का राज पता लग सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।